हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू रिवल क्लासेस। दोस्तों, आज हम बात करने वाले नंबर सिस्टम के बारे में, संख्या पद्धति। तो बेसिकली आज जो मेरा टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम। देखिए, नंबर सिस्टम क्या है इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम लोग। नंबर मतलब होता है संख्या, सिस्टम मतलब होता है पद्धति, तो इसको हम हिंदी में संख्या पद्धति भी कहते हैं। अच्छा, देखिए पद्धति का मतलब क्या होता है। पद्धति का मतलब होता है नंबर को कई रूपों में रिप्रेजेंट करने का जो मेथड होता है उसी को हम पद्धति कहते हैं। तो नंबर सिस्टम क्या है कि संख्याओं को कई रूपों में रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है या फिर संख्या पद्धति कहलाता है। तो जैसे बेसिकली हम लोग जो नंबर पढ़ते हैं, हम लोग गणित में 0 से लेके 9 तक के नंबर पढ़ते हैं। मीन्स इसमें कुल मिला के अगर हम बात करें डिजिट की, इसमें 10 डिजिट होते हैं। तो 10 अंकों का ये जो संख्या होती है इसी को हम पूरे गणित में पढ़ते हैं। हम बात करते हैं 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कुल मिला के 10 ऐसे डिजिट हैं जो हम पूरे मैथ में पढ़ने वाले हैं। और हम इन्हीं 10 संख्याओं की मदद से, 10 अंकों की मदद से हम ब्रह्मांड में जितनी भी संख्याएं संभव हो सकती हैं हम उनको लिख सकते हैं। तो बेसिकली जो नंबर सिस्टम में हम ये सीखने वाले हैं कि 0 से 9 के बीच में जितनी संख्या होती है उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो नंबर सिस्टम क्या चीज़ है कि संख्याओं को कई रूपों में रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। अच्छा, संख्याओं को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और जो संख्या है जो 0 से 9 के बीच में है उनको हम कैसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उनको हम देख लेते हैं। पहला नंबर, इनको हम प्राकृतिक संख्या के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। तो प्राकृतिक संख्या, देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है, ये संख्या स्टार्ट होती है 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4, 5 ... इनफाइनाइट तक ही जाती है संख्या। उसके बाद नेक्स्ट आता है वास्तविक संख्या। देखिए वास्तविक संख्या क्या होती है, वास्तविक जो संख्या होती है ये संख्या 0 से स्टार्ट होती है, 0, 1, 2, 3, 4 ... इनफाइनाइट तक ही जाती है। फिर उस पर नेक्स्ट आता है सम संख्या। देखिए सम संख्या क्या है, सम संख्या स्टार्ट होती है 2 से, तो बेसिकली 2 से स्टार्ट होती है और एक एक गैप करती है। जैसे इसमें देखो कोई भी गैप नहीं हुआ था, ये 1 से स्टार्ट हुई थी तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ... इनफाइनाइट गया। उसके बाद ये जो वास्तविक संख्या थी ये 0 से स्टार्ट हुई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे ... ही जा रही है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आता है नेक्स्ट सम संख्या। तो सम संख्या क्या होता है, सम संख्या 2 से स्टार्ट होता है और एक एक करके छोड़ता है। तो 2 के बाद आएगा 4, इसके बाद एक छोड़ेगा, फिर 6 आएगा, फिर एक छोड़ेगा, 8 आएगा, फिर एक छोड़ेगा, ऐसे करके 10 ऐसे ... इनफाइनाइट तक ही जाता है। तो बेसिकली जो सम संख्या इवन नंबर है ये 2 से स्टार्ट होता है और एक एक संख्या छोड़ता हुआ आगे बढ़ता है। तो 2 के बाद एक छोड़ेगा 3, 3 को छोड़ा आया 4, फिर 4 के बाद 5 आता उसको छोड़ा, फिर आया 6, 6 के बाद 7 आता उसको छोड़ा, 8 आया, ऐसे करके चलता रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है विषम संख्या। देखिए विषम संख्या क्या होती है, तो विषम संख्या बेसिकली देखिए यहाँ ये 2 से स्टार्ट हुई थी, अब यहाँ ये विषम संख्या 1 से स्टार्ट होगी, ये भी एक एक छोड़ेगा, तो 1 के बाद 2 आता है उसको छोड़ेगा। मीन्स कह सकते हो विषम संख्याओं में हम सभी सम संख्याओं को छोड़ के लिखते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर 2 है इसको छोड़ना है, 3 लिखना है, फिर 4 है इसको छोड़ना है, 5 लिखना है, फिर यहाँ 6 है इसको छोड़ना है, 7 लिखना है, यहाँ पे 8 है इसको छोड़ना है, 9 लिखना है, तो ... ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो बेसिकली ये क्या है, विषम संख्या है। अच्छा, नेक्स्ट आता है धन पूर्णांक संख्या। धन पूर्णांक संख्या, तो देखिए धन पूर्णांक संख्या क्या होती है, ये 1 से स्टार्ट होती है, 1, 2, 3, 4 ये भी ऐसे से ... जाती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ऋण पूर्णांक संख्या। ऋण पूर्णांक संख्या, तो जो ऋण पूर्णांक संख्या होती है ये -1 से स्टार्ट होती है, -2, -3, -4 ये -इनफाइनाइट तक ये जाती है।
फिर नेक्स्ट आता है अभाज्य संख्या। देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है इसको हम देख लेते हैं। अभाज्य संख्या हम उन संख्याओं को कहेंगे जो स्वयं से कटेंगे और किसी से नहीं कटेंगे। जैसे मैं कुछ नंबर लिख रहा हूं जो अभाज्य हैं। पहला नंबर पे आता है 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट। तो देखिए यहाँ पे जो 1 है 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। अच्छा 2 की बात करते हैं तो 2 सिर्फ 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 3 से कटेगा। इसके बाद अगर 4 आएगा तो 4 2 से कट जाएगा, 4 2 से भी कट जाता है, 4 4 से भी कट जाता है, तो उसको हम नहीं लेंगे। फिर 4 के बाद नेक्स्ट आता है 5, तो 5 5 से ही कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। फिर उसके बाद 6 आता है तो 6 3 से कट जाता है और 2 से भी कट जाता है, तो उसको नहीं लेना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है 7, तो 7 7 से ही कटेगा। तो यहाँ पे हम अभाज्य संख्या हम उन्हीं संख्याओं को लेंगे जो सिर्फ स्वयं से कटे और किसी से ना कटे, उन्हीं का नाम है अभाज्य संख्या। अच्छा नेक्स्ट आता है परिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिनको हम बटे के रूप में लिख सकते हैं। मीन्स कह सकते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में हम लिख सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या। तो पी बटे क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे देखिए इसको, जैसे लिखा रहेगा कहीं 2/3, 5/6, 7/9, 11/13। अगर ऐसे नंबर कहीं लिखे हैं आपको तो ये सभी क्या है, ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। अच्छा नेक्स्ट आता है आप परिमेय संख्या। तो आप परिमेय संख्या क्या होता है जिसको हम पी बटे क्यू के रूप में ना लिख सकें। तो देखो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, पी बटे क्यू के रूप में जब नहीं लिखते हैं तो उसी का नाम होता है आप परिमेय संख्या। जैसे हम बात करते हैं आप परिमेय में कौन कौन आएगा, इसमें बेसिकली जितने अंडर रूट के लोग होते हैं, तो जितने अंडर रूट के लोग होते हैं वही सभी क्या है परिमेय संख्या। जैसे अंडर रूट 2 हुआ, अंडर रूट 3 हुआ, और अंडर रूट 5 हुआ, अंडर रूट 7 हुआ, ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक रहते हैं। तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि आप परिमेय संख्या जो होती है उसको पी बटे क्यू ग्रुप में नहीं लिख सकते हैं, और जितने भी वर्गमूल में जितने भी अंडर रूट में जो भी नंबर्स लिखे होते हैं वो सभी क्या होते हैं आप परिमेय संख्या होती है। तो बेसिकली हमने ये देखा यहाँ पे कि कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर थे कहां से कहां तक, 0 से 9 तक, और उनको हम कई रूपों में रिप्रेजेंट कर दिए। तो इन्हीं को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। मीन्स नंबर को कई मेथडों में रिप्रेजेंट करना ही नंबर सिस्टम कहलाता है। तो बेसिकली हमने 0 से 9 को 0 से 9 को हमने क्या किया, कई नंबरों में मतलब कई मेथडों में रिप्रेजेंट कर दिया। तो पहला हमने प्राकृतिक नंबर में रिप्रेजेंट किया, फिर वास्तविक संख्या, फिर सम संख्या, फिर विषम संख्या, फिर धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। ऐसे बहुत से संख्याएं हैं जिनको हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो बेसिकली हम लोग ये क्या कर रहे हैं, नंबर सिस्टम को कई नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम कहते हैं नंबर सिस्टम। अच्छा कुछ और भी संख्याएं हैं, चलिए तो बेसिकली इतनी संख्याएं थी जिनको हमने आपको रिप्रेजेंट करा दी। अच्छा अब नेक्स्ट ये बात बनती है कि नंबर सिस्टम में पढ़ेंगे क्या चीज हम, तो हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ने वाले इसको हम देख लेते हैं। तो जैसे आप लोग कक्षा 8 में पढ़ा होगा कुछ फार्मूले होते हैं, उनको हम यहाँ पे पहले देख लेंगे और ऐसे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अच्छा क्वेश्चन और भी इससे पूछेंगे, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा स्थानीय मान बताइए, जातीय मान बताइए। तो नंबर सिस्टम में बेसिकली पढ़ेंगे क्या इसको हम देख लेते हैं थोड़ा शॉर्ट में। तो पढ़ने वाले इसमें पहले पढ़ेंगे संख्याओं का जाति मान निकालना सीखेंगे, जाति मान क्या होता है। उसके बाद हम इनका स्थानीय मान सीखेंगे, स्थानीय मान निकालना सीखेंगे। अच्छा इसके बाद स्थानीय मान के बाद फिर इसका हम लोग इकाई अंक निकालना सीखते हैं, इकाई संख्याओं का इकाई अंक निकालना सीखते हैं। फिर हम इसमें संख्याओं की तुलना करते हैं, तुलना करने का मतलब इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन बड़ा संख्या है कौन छोटा संख्या। तो जैसे अगर मान लेता हूं ऐसे कहीं लिखा 100 के पावर 101 और आपसे पूछेगा कि 101 के पावर 100, तो आपको बताना रहेगा कि इसमें से बड़ा कौन है। तो इसमें कुल मिलाकर बेसिकली हम दो संख्याओं का क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, तो हम इसमें तुलना भी करते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन इसमें ऐसे बनेंगे, जैसे आप जानते होंगे कि हम लोग बीजगणित में पढ़े हैं, जैसे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे आएंगे सवाल,
ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे सवाल आएंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पे क्वेश्चन पूछेंगे। फिर उसके बाद ए प्लस बी के होल क्यूब पे पूछ सकते हैं और ए माइनस बी के होल क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब, उसके बाद ए क्यूब प्लस बी क्यूब। तो बेसिकली इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। तो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा, आपको पहचानना पड़ेगा कि इसमें से कौन सा फार्मूला लगेगा। और हमें उम्मीद है कि आप ये फार्मूला सभी जानते होंगे, ये कक्षा 8 के फार्मूले हैं। तो इन सब नंबर सिस्टम में बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं। और कुछ ऐसे क्वेश्चन भी पढ़ सकते हैं हम, जैसे बोलेगा कि 1 से 100 के बीच में संख्याएं लिखी गई हैं तो बताओ कितने अंकों का प्रयोग किया गया है। तो बेसिकली हम लोग अंक और संख्या में क्या अंतर होता है इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तो बेसिकली हम संख्या और अंक के बारे में पढ़ेंगे, तब जाके ये चीजें हमें समझ में आए। जैसे क्वेश्चन में कहा कि 1 से 100 के बीच में संख्या लिखनी है तो कितनी संख्या उसमें आवश्यकता पड़ेगी, कितने डिजिटों की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसिकली इसको हम ऐसे सीखेंगे। तो आज हमने ये देखा कि नंबर सिस्टम क्या है और नंबर सिस्टम को कितने रूपों में रिप्रेजेंट करते हैं और इनमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बेसिकली हमने आज शॉर्ट वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ज्यादा वीडियो बड़ा बनने से कोई मतलब नहीं होता है, बच्चे ज्यादा बड़ा वीडियो देखते भी नहीं है। तो बच्चे ये भी चाहते हैं कि छोटा वीडियो बने ताकि कम टाइम में निपट लें उससे। तो बेसिकली हम जो भी मैथ से रिलेटेड जो भी वीडियो बनाएंगे वो शॉर्ट वीडियो होंगे, छोटे वीडियो होंगे। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे आपसे, उसमें कुछ न्यूमेरिकल से बात करेंगे, जैसे स्थानीय मान निकालना कैसे होता है, जातीय मान, इकाई मान कैसे निकालते हैं, तो इसको हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में बस हम इतना ही बात करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके दूसरे पार्ट की ओर अग्रसर होंगे। बेसिकली जो ये मेरा वीडियो है फर्स्ट पार्ट है, इसका नेक्स्ट वीडियो जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हम न्यूमेरिकल से शुरू करेंगे।